श्री बागेश्वर सरकार महाराज जी आने वाले हैं, उनके आने की क्या तारीख रहेगी, क्या कार्यक्रम का विवरण रहेगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक कौन सी कथा हनुमान जी के चरणों में बागेश्वर सरकार महाराज सुनाएंगे, इस पर जोड़ रहा हूँ श्री दंदरुआ सरकार पूज्य गुरुदेव भगवान। जय सिया राम, जय हनुमान, जय दंदरुआ धाम, जय बागेश्वर सरकार की। श्री दंदरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान मंदिर में आपको विदित ही होगा कि आगामी नवंबर माह में श्री बागेश्वर सरकार महाराज जी आने वाले हैं, उनके आने की क्या तारीख रहेगी, क्या कार्यक्रम का विवरण रहेगा, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक कौन सी कथा हनुमान जी के चरणों में बागेश्वर सरकार महाराज सुनाएंगे, इस पर जोड़ रहा हूँ श्री दंदरुआ सरकार पूज्य गुरुदेव भगवान महाराज। दंदरुआ सरकार की, बागेश्वर धाम की, ये बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ा सुंदर अवसर है। हम सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से और सभी जनता जनार्दन से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि यहाँ ये शुभ अवसर आ रहा है हमारे श्री हनुमान दंदरुआ पर, हमारे गुरु महाराज की जो वर्षी समारोह है, वार्षिक महोत्सव है, उस महोत्सव में हमारे यहाँ पूरे विश्व के प्रसिद्ध, राष्ट्र के प्रसिद्ध हमारे बागेश्वर धाम के विशेष प्रिय, बागेश्वर धाम की बड़ी विशेष कृपा है उनके ऊपर, उन्हें पूरे जन्म का ज्ञान है। ऐसे हमारे यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री, जो वास्तव में ही देश में विदेश में सब जगह उनका बड़ा भारी प्रभाव और प्रचार चल रहा है, वे हनुमान जी कृपा से यहाँ हमारे राम ने बड़े विशेष भक्तों के आग्रह से भक्तों ने बहुत आग्रह किया, महाराज बागेश्वर धाम दर्शन कराओ, मिलवाओ। हमारे राम ने फिर से अनुरोध किया, हमारे मंत्री, हमारे कैबिनेट गृह मंत्री, हमारे जो है नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा, और ये कार्यक्रम जो है उनकी सलाह से ही ये कार्यक्रम हुआ। पश्चात हमारे इसमें परिचित बने हमारे अशोक भारद्वाज जी, इनकी बहुत इच्छा थी कि बार दिन कथा कराएं, ये कथा का बड़ा भारी जो है प्रयास करने पर कथा तीन दिन की मिली कथा। मैंने बहुत विशेष रूप से अनुरोध किया, महाराज जी 5 दिन की सुनवाओ, लेकिन समय का अभाव था विशेष, बेचारे वो भी क्या करते, उनने भी बड़ा प्रयास किया तब 3 दिन निकल पाए, लेकिन जो कथा 3 दिन की निश्चित हो गई, हम लोग भी प्रसन्न हो गए। फिर हनुमान जी को चैन नहीं पड़ा नहीं कथा के बिना, हनुमान जी हमारे राम चरित्र सुन वे को रसिया, राम चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचंद्र के रसिया हैं, रामचंद्र सुनने के रसिया हैं, उनको चैन नहीं पड़ा 3 दिन में। तो उनने कहा नहीं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्र की कथा तो हम 5 दिन सुनेंगे, वैसे तो चैन पड़ता ही नहीं है कथा के बिना हनुमान जी को। हनुमान जी बहुत बड़े श्रोता हैं, राम कथा के बहुत बड़े श्रोता हैं, और ये हनुमान कथा भी होगी, हनुमान कथा से राम जी प्रसन्न होते हैं और राम कथा से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यहाँ गुरु कथा का मिश्रण भी किया जाएगा, उसमें कथा की मिश्रण भी होगी। तो यहाँ जो है ये 5 दिन वही कथा होगी, 18 तक, 14 नवंबर से 18 नवंबर तक तो धीरे शास्त्रीय कथा होगी।